हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है अपना गौरव चैनल पे। तो IBGO एग्जाम के लिए आई होप आपका प्रिपरेशन जो है अच्छा चल रहा होगा। फेज वन का लगभग मुझे लगता है सभी सब्जेक्ट आपने कंप्लीट कर लिए होंगे, क्योंकि 4-5 दिन भी आपको एक्स्ट्रा मिले हैं, राइट? तो ये वीडियो जो है वो है फेज टू आपके IBGO एग्जाम का, जिसमें मैं डिस्कस करने वाले हूँ आगे के टॉपिक्स। और फेज टू जो है वो आपका लास्ट होने वाला है, ठीक है? इसके बाद हम क्या करने वाले हैं सभी चीजें मैं बताऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आने वाला है कि जो टॉप 75 क्वेश्चंस और कंसेप्ट का आपने फोल्डर देखा है IBGO बैच में, ठीक है, वो क्या है, उसको कैसे यूज करना है, और कॉमन क्वेरीज जो आपकी है BSc वालों का, BCA वालों का, BE बीटेक वालों का या डिप्लोमा वालों का, उसमें मैं ट्राई करूंगा कवर करने के लिए, ठीक है? तो वो वीडियो आपको बहुत इंपॉर्टेंट देखना। और अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो फर्स्ट आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, चेक सेकंड व्हाट्सएप टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, एंड थर्ड IBGO का जो बैच है जिसका लिंक और स्टेप्स कैसे ज्वाइन करना है कमेंट सेक्शन में दिया है, उसको ज्वाइन करके आप प्रिपरेशन कर सकते हो अगर आप सीरियसली कर रहे हो तो, ठीक है? ओके, तो जो पीरियड है उसके बारे में मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको अभी ये फेज टू लास्ट है, तो ट्राई करना है कि मैक्सिमम चीजें आप कवर करो विद इन मतलब टिल 15th of July, ठीक है? 15th of July से पहले आप कंप्लीट कर लो। तो जनरल मेंटल एबिलिटी में हमने इंग्लिश में बेसिकली ग्रामर क्लियर लिया है, ठीक है? तो अभी आप ग्रामर के जो भी क्वेश्चन बनेंगे, जैसे कि सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट बनेगा, बाद में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस बनेगा, इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच बनेगा, ठीक है? वर्ब फाइंड करना है, फिलर्स है, फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब जो भी क्वेश्चन पॉसिबल है ग्रामर से बनना, क्वेश्चन टैग, वो सब आप अभी कर सकते हो, करेक्ट? उसमें इंग्लिश में जस्ट अभी ऐड करना है आपने वो सिनोनिम एंड एंटोनिम, जो इधर लिखा नहीं है। तो ये आप किधर से करोगे? अपने टेलीग्राम PDF से, जो जो डेली आपके टेलीग्राम PDF आ रहे हैं तो उधर से आप ये करो, ठीक है? उतना इनफ हो जाएगा। और बाकी सपोज अभी किस दिन टेलीग्राम PDF नहीं आया, तो जो प्रीवियस टेलीग्राम PDF है, मतलब किधर जाना है, फाइल सेक्शन में जाना है, उधर आपको मिल जाएगा, डाउनलोड करो और फिर सिनोनिम एंटोनिम उसमें जो डिटेल में है वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है? बाकी इसके लिए सेपरेट कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जो भी टेलीग्राम PDF में है वो डेली पढ़ते रहो, ऑटोमेटिकली ये होगा, टाइम लगेगा लेकिन होगा, ठीक है? नेक्स्ट जो है अभी बाकी चीजें, जैसे कि जनरल मेंटल एबिलिटी में क्या करनी है आपको, तो टाइम एंड वर्क, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस, बाकी जो चैप्टर्स है वो ठीक है, वो भी कर सकते हो आप, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ठीक है? उधर मैं मिससेलिनियस में डाल देता हूँ उनको, क्योंकि मेन क्या है, टाइम कम है, इसलिए जितना भी टाइम में ये हो सकता है पहले ये करो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, और बाद में जो भी रहेगा वो आपके मॉक टेस्ट में भी डालूंगा ही, ठीक है, और बताऊंगा ही गाइडलाइंस में। बाद में एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम, डेटा इंटरप्रिटेशन, नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, तो नॉन वर्बल में भी मेजोरिटी ऑफ जो चैप्टर्स है, ठीक है, जैसे कि आपका हो गया पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, डायग्राम आइडेंटिफिकेशन, बाद में फिर आता है वाटर इमेज, क्लॉक, कैलेंडर इमेज, ठीक है, वो सब करना है आपको इसमें नॉन वर्बल में। और एनालिटिकल में स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन एंड कोर्स ऑफ एक्शन, ये आपको चीज़ें करनी है इसमें, ठीक है? बाकी जो मिससेलिनियस में रहेंगे वो मैं आपको मॉक टेस्ट में ऐड करूंगा, बाकी ज़्यादा करो मत, क्योंकि यही बहुत ज़्यादा है, ओके, एज कम्पेयर टू जितना आपने वो टाइम मिला है। तो फर्स्ट मेन प्रायोरिटी आपका ये कंप्लीट करो, और बाकी अगर जो भी ऐसे पब्लिक है जो रिपीटर्स है उनका ऑलरेडी ये हो गया है, तो फिर आप बाकी के चैप्टर्स एप्टीट्यूड के और रीजनिंग के कर सकते हो, ठीक है? रीजनिंग में तो कुछ बचा नहीं, इतना भी हो गया, एप्टीट्यूड में आप बाकी कर सकते हो, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, बाद में टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, ठीक है, और बाद में प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट हो गया, तो ऐसे छोटे चैप्टर आप कर सकते हो, बाकी ज़्यादा उसमें डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, ओके, ठीक है। अभी ये तो हो गया नॉन टेक्निकल पार्ट 25% का, अभी हम आते हैं अपने टेक्निकल पे, ठीक है? अभी जैसे कि लास्ट टाइम फेज वन के सब्जेक्ट मैंने 4 आपको बताए थे, उसमें मैंने सैम्पल क्वेश्चन भी आपको दिए थे फर्स्ट सब्जेक्ट के, ठीक है, बाद में मैंने नहीं दिए। उसका रीजन ये है कि अभी IBGO का जो एग्जाम है, ठीक है, उधर वैरायटी ऑफ कैंडिडेट्स है, मतलब BCA वाले भी है, BCA वाले भी है, बी बीटेक वाले भी है, और डिप्लोमा वाले भी है, ठीक है? तो इसका एक सोल्यूशन मैंने डिजाइन किया, क्योंकि बहुत सारे क्वेरीज मुझे आए कि मैं BSc से हूँ, मैं कैसे करूँ, मैं BCA से हूँ, मैं कैसे करूँ, ठीक है? क्योंकि ऑब्वियसली टफ है दोनों का सिलेबस करना, लेकिन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि एग्जाम का लेवल लो रहने वाला है, ऐसा नहीं कि आपको डिटेल में पढ़ना है, लेकिन फिर भी चलेगा। तो मेन क्या है उसका सोल्यूशन, मतलब सबके लिए, वो है अपना टॉप 75 कंसेप्ट, ठीक है, जो मैं आगे डिस्कस करूंगा आपका, इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें डिस्कस करने वाला हूँ। तो मैक्सिमम जो भी आपका क्वेरी, जो भी डर आपका रहेगा रिलेटेड टू दिस एग्जाम, इधर से ही खत्म हो जाएगा, ठीक है? इसलिए अभी जस्ट फेज टू में मैंने सब्जेक्ट जो आपको पढ़ना है चैप्टर वो लिखा है डिटेल में, बहुत इंपॉर्टेंट है। सैम्पल क्वेश्चन वगैरह नहीं दिए हैं, क्योंकि वो टॉप 75 क्वेश्चन कंसेप्ट में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे होता है वगैरह, ठीक है? जो ऑलरेडी IBGO का बैच ज्वाइन कर चुके हैं उन्होंने देखा भी है, एक कंसेप्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, वो डेमो के लिए मैंने अपलोड किया था, ओके, अभी मुझे लगता है उसको हम कंटिन्यू करेंगे, बाकी सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, राइट? अभी आते हैं फेज टू पे। तो फेज टू में अपना जो फिफ्थ सब्जेक्ट है वो है कम्युनिकेशन सिस्टम, आपको करना है, ठीक है? इसमें बेसिकली जो ब्रॉड व्यू है, ओके, एक बड़ा व्यू जो है वो है कि कम्युनिकेशन दो पार्ट में अपना डिवाइड होगा, एक तो एनालॉग डिजिटल, एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन, ठीक है?
इसमें आपको ब्लॉक डायग्राम अच्छे से करना है दोनों का, बाद में फिर टाइप्स ऑफ सिग्नल, वैरायटी ऑफ सिग्नल्स हैं जैसे कि यूनिट स्टेप है, रैंप है, स्टेप साइज है, ठीक है, यूनिट स्टेप इनपुट है, तो ये आपको करने हैं। इसके अलावा भी साइन कोसाइन जो सिग्नल्स है वो आपको करने हैं। देन मल्टीप्लेक्सिंग एंड टाइप्स, उसके करने हैं आपको TDM, FDM, CDM क्या होता है, ठीक है, इसके फुल फॉर्म वगैरह आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, टाइम डिवीजन, मल्टीप्लेक्सिंग, फ्रीक्वेंसी डिवीजन, कोर डिवीजन। देन मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन क्या होता है, ठीक है, अभी जो एनालॉग मॉड्यूलेशन है उसमें भी एक टाइप है AM, FM, PM, TAM, PWM, BPM और PCM, बाद में AM है, DSBFC, DSBC, SSB, VSB, ठीक है। FM में भी बेसिक्स आपको करना है कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या है, कैसे होता है, उसके बाद उसको जनरेट कैसे करेंगे, डिटेक्ट कैसे करेंगे, क्या क्या वेरियस सर्किट हम यूज़ करते हैं उसके लिए। बाद में FM के थोड़े बहुत टाइप है, नैरो बैंड FM, वाइड बैंड FM, वो जो सबको बेसिक लेवल पे पढ़ने हैं, ठीक है, इसमें डिटेल जाननी है। सेम फेज मॉड्यूलेशन के लिए है बेसिक्स, बाद में मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेटर, FM, AM रिसीवर्स, ठीक है। तो अभी जो सिग्नल हमने जनरेट किए एनालॉग मॉड्यूलेशन से और FM फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन से, उसको डिटेक्ट करने के लिए रिसीवर चाहिए, तो रिसीव करने के लिए, तो वो रिसीवर क्या है, कैसे होता है, उसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये आपको याद होना चाहिए। बाद में सिग्नल जब जाता है ट्रांसमीटर रिसीवर, तो उसमें नॉइज़ ऐड होता है, ठीक है, तो नॉइज़ की वजह से क्या क्या हो सकता है, नॉइज़ के डिफरेंट टाइप्स क्या है, वो सब आपको इसमें करना है। इंट्रोडक्शन टू इनकोडिंग डिजिटल डेटा टू डिजिटल सिग्नल, मतलब बेसिकली इनकोडिंग डिकोडिंग क्या होता है, ठीक है, उसके अलग अलग टेक्निक्स है वो आपको याद करने हैं। कंपैरिजन ऑफ वेरियस टेक्निक्स, उसमें कंपैरिजन भी आ सकता है। बाद में डिजिटल कम्युनिकेशन में बेसिक्स हम स्टार्ट करेंगे, बेसिक टर्म्स से, जैसे कि डेटा रेट क्या होता है, वॉड रेट क्या होता है, बीट रेट क्या होता है, चैनल बैंडविड्थ क्या होती है, ठीक है, चैनल कैपेसिटी क्या होता है, सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में हम आएंगे, उसके बाद सैम्पलिंग क्वांटाइजेशन, ठीक है, PCM, DPCM, DM, ADM, डिजिटल मॉड्यूलेशन स्कीम जो है, ASK, FSK, PSK क्या होता है, DPSK, QPSK, QM, ये आप करोगे, और फिर मल्टीपल एक्सेस टेक्निक के साथ कम्युनिकेशन सिस्टम को आप फिनिश करोगे, ठीक है। तो इतना सब चीज़ें आपको इसमें पढ़ना है कम्युनिकेशन में। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट है जो कि आपका है सिक्स्थ सब्जेक्ट, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ठीक है। अभी जो फिजिक्स वाले हैं तो ऑलरेडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी लगभग आपने 70-80% पढ़ लिया है, ओके, जब आप फिजिक्स का पढ़ाई कर रहे थे, फिजिक्स में है ये, राइट। इसके लिए आप NCERT भी यूज़ कर सकते हो, NCERT के भी चार चैप्टर मिला के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का कंटेंट बनता है, एक तो वेव हो गया, ठीक है, बाद में मुझे लगता है मैग्नेटिक इंडक्शन हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गया, ठीक है, तो वो आप रेफर कर सकते हो, बाकी आपके बुक्स वगैरह होंगे, और फिजिक्स में भी डिप्लोमा बीटेक वालों को ये होता ही है चैप्टर, ठीक है, तो आप उधर से करोगे। तो डेफिनेशन ऑफ वेव, वेव क्या होता है, बाद में उसके टाइप जो है ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होते हैं, ओके, इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कूलम्स लॉ क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, फर्स्ट पोटेंशियल क्या है, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, बाद में कैपेसिटेंस पे डिफरेंट इफेक्ट क्या होंगे, बाद में मैग्नेटिक फील्ड सोर्सेज क्या है, कैसे जनरेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, बायो सर्वेट लॉ, एम्पियर लॉ, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे लॉ एंड लेंज लॉ, ठीक है, लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉ को बिल्कुल भी स्किप मत करना, और बाकी जो भी लॉ मैंने इधर नहीं लिखे वो मैं डेफिनेटली आपके मॉक टेस्ट में या टॉप 75 कंसेप्ट में इंक्लूड करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है सेवन सब्जेक्ट जो है DBMS, अभी ये आ गए हम कंप्यूटर साइंस में, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले ER मॉडल, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें जो भी हम करते हैं वो चीज़ें आपको अच्छे से याद करनी है, ठीक है, डायमंड क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, हर एक सिंबल के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। बाद में RDMS, उसके बारे में आपको पढ़ना है थोड़ा, ठीक है, बाद में फिर SQL सबसे इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन आपको फिक्स इसमें से आने वाला है कि SQL के क्वेरीज, डिफरेंट जो क्वेरीज है उसका यूज़ क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है, थीके? बाद में कंस्टेंट क्या होता है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हम यूज़ करेंगे SQL को, प्रोग्रामिंग टेक्निक्स क्या है, तो ये आपको याद रखना है। फंक्शनल डिपेंडेंसीज, नॉर्मलाइजेशन, ये बेसिक इसका आप कर सकते हो, नहीं तो ये स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये होगा डेटाबेस DBMS, इसमें आपको इतना ही करना है, बाकी B++ ट्रीज वगैरह वो जो है उसमें आप कर सकते हो, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम नहीं है कुछ, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो है वो है एट सब्जेक्ट जो आपको दिख रहा है CDS एंड अल्गो, मतलब सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड अल्गोरिथम, राइट। अभी ये तीनों को बेसिकली मैंने एक ही सब्जेक्ट मान के कंबाइन कर दिया है, क्योंकि डेफिनेटली ये अलग अलग सब्जेक्ट है और बहुत बड़े सब्जेक्ट है, और अपने IBGO एग्जाम के लिए अपने को उस लेवल तक नहीं पढ़ना है, इसलिए जितना भी आपको इंपॉर्टेंट है तीनों को मैंने कंबाइन कर दिया है, नहीं तो ये फिर 8, 9, 10 हो जाते इधर ही, राइट। तो ये आठवां सब्जेक्ट हम पकड़ेंगे, और इसमें फर्स्ट पार्ट है हमें जो करेंगे वो है प्रोग्रामिंग इन सी। तो सी में अभी जो भी चीज़ें आपको पढ़नी है स्पेसिफिकली बेसिक से, ठीक है, जैसे कि उसके वेरिएबल्स क्या होते हैं, उसके कांस्टेंट क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, ये आप सब पढ़ोगे। बाद में जो ऑपरेटर्स है उसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स है, एरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन के लिए, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन के लिए, तो वो क्या होते हैं, ठीक है, थीके? बाद में फिर फ्लो चार्ट क्या होता है, एल्गोरिथम क्या होता है, कैसे यूज़ करना है, डिसीजन मेकिंग ब्रांचिंग, मतलब जो लूप होते हैं जो हम यूज़ करते हैं प्रोग्राम्स में। हाँ, इधर अभी आपका एक क्वेरी आ सकता है कि हमें प्रोग्राम पूछेंगे कि नहीं, ठीक है, IBGO में,
तो सी, जैसे कि मैंने फेज वन में ही बताया था कि आपका एग्जाम का लेवल जो है वो लो रहेगा, ठीक है। लेकिन अभी ऐसा नहीं कि लास्ट टाइम नहीं पूछा तो इस बार नहीं पूछेंगे, क्योंकि लगभग 5-6 साल हो गए हैं ऑलरेडी। तो इस बार अगर उन्हें लगा कि कुछ मतलब थोड़ा हम अच्छा तरीके से और पेपर फ्रेम करते हैं, थोड़ा लेवल थोड़ा बढ़ा देते हैं, तो एक दो प्रोग्राम आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से है या बीएससी फिजिक्स मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से है, तो डेफिनेटली आपको करने की जरूरत नहीं है प्रोग्राम। ऐसा नहीं कि मतलब बीसीए और कंप्यूटर साइंस वाले आगे निकल गए, ठीक है, ऐसा नहीं है। एक दो क्वेश्चन आए भी, मैं क्या बोल रहा हूँ, आ सकते हैं, कंफर्म आएंगे, ये श्योरिटी नहीं है, ठीक है। तो चलेगा, वो स्किप कर सकते हो आप, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, राइट। लेकिन बाकी जो बेसिक्स है ये तो आपको करना ही पड़ेगा, इधर तो मतलब कुछ आपके पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है। जैसे कि एरे क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, उसके एरे के टाइप्स क्या होते हैं, एरे को हम इनिशियलाइज कैसे कैसे मतलब स्टार्ट कब कर कैसे करते हैं, उसको यूज़ कैसे करते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली ये आपको आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो इस लेवल तक आपको डेफिनेटली करना है, लेकिन प्रोग्रामिंग लेवल पे आपको टच करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, राइट। बाद में फंक्शन स्ट्रक्चर एंड पॉइंटर के साथ आप फिर सी प्रोग्रामिंग को खत्म कर लोगे। अभी सी ऑलरेडी मैंने इधर तो लिख दिया है सब, ठीक है। बाकी बुक्स वगैरह तो जो अभी बीसीए वाले हैं, डिप्लोमा वाले हैं, बीबीटेक वाले हैं, सी प्रोग्रामिंग हर एक को है, ठीक है। बीएससी फिजिक्स वालों आप क्या कर सकते हो, जस्ट नेट से कोई भी बुक आप ले सकते हो सी प्रोग्रामिंग का, और उधर से ये जो टॉपिक मैंने इधर लिखे हैं वो आप कर सकते हो, ठीक है। इसलिए मैंने लिखा है इधर कि आप अच्छे से पढ़ो, राइट। और अगेन लेवल बेसिक इजी टू मॉडरेट रहेगा, उधर ज़्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, करेक्ट। सेकेंड जो बी पार्ट है उसमें डेटा स्ट्रक्चर्स, इसमें क्या पढ़ना है आपको कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर क्या है, उसका बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या है, ठीक है, ट्री क्या होता है, नोड क्या होता है, ये सब आपको अच्छे से करना है, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। बाद में लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर, क्यू, स्टैक्स, ओके, ये आपको करना है। लिंक लिस्ट क्या होता है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में ट्रीज क्या होती है। बाद में एरे ग्राफ्स क्या होते हैं, तो ये बेसिक आपका डेटा स्ट्रक्चर हो गया, क्विकली हो जाएगा और ईजी भी है, और मतलब मज़ेदार है ये चैप्टर, ठीक है, मज़ा आता है मतलब करने में। नेक्स्ट एल्गोरिथम, ये भी अगेन मज़ेदार है और इजी है। तो इसमें आपको करना है सबसे पहले डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, ठीक है, उसके वेरियस फेजेस क्या है। बाद में सॉर्टिंग टेक्निक्स जो है, इसमें बबल सॉर्ट है, सिलेक्शन सॉर्ट है, इंसर्शन सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट है, हर एक का टाइप, हर एक का यूज़, हर एक का एप्लीकेशन, ठीक है, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। बाद में सर्चिंग जो सिम्बॉल्स है, ग्राफ्स है, शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम क्या है, डिजेस्ट्रा, फ्लोर फ्लो बेस, ओके, स्ट्रिंग स्ट्रिंग, ये आपको अच्छे से करना है। तो इसके साथ अपना ये जो 8 चैप्टर है और 8 सब्जेक्ट है, ये अपना कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अपने 9th सब्जेक्ट पे, जो कि लास्ट सब्जेक्ट है आपके पूरे आईबीजीओ एग्जाम का, इसमें भी एक थोड़ा ट्विस्ट है, आगे बताऊंगा, वो है बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट। अभी सी जो बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये सीएसई जो कंप्यूटर साइंस पब्लिक है, ओके, अपने डिप्लोमा में बीबीटेक में आप पढ़ते हो, फर्स्ट ईयर में ही पढ़ते हो, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले तो डेफिनेटली उनका तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स ही इसमें है, तो उसको प्रॉब्लम कुछ नहीं है। बाकी अगेन बीएससी वालों के लिए क्या कर सकते हो आप, जो मैंने लिखा है एटलीस्ट इंटरनेट की हेल्प से या कोई भी बुक आप डाउनलोड कर सकते हो, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स बुक आपको मिलेंगी पीडीएफ फॉर्मेट में, जस्ट गूगल पे डालो बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पीडीएफ बुक, आपको मिल जाएगा, ठीक है, उधर से आप कर सकते हो। बाकी कोई भी मटेरियल आपके पास होगा उधर से कर सकते हो। डेफिनेटली मॉक टेस्ट, सक्सेस पैक में ई बुक वगैरह मैं आपको देने वाला हूँ, ओके, थोड़ा वेट करो, सक्सेस पैक लॉन्चिंग का लॉन्च करूंगा, उसके बाद वीडियो बनाऊंगा, फिर आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सेमीकंडक्टर डायोड जो है उसमें आपको पढ़ना है। बाद में फिर टाइप्स ऑफ डायोड, जितने भी डिफरेंट टाइप्स है, जनरल, टनल, शॉटकी, ठीक है। बाद में पीएन जंक्शन डायोड, अच्छे से आपको एक एक डायोड के टॉपिक करना है। बाद में फिर आते हैं हम पावर सप्लाई, पावर सप्लाई क्या होता है, ठीक है, तो पावर सप्लाई के लिए अपने को रेक्टिफायर लगता है, तो रेक्टिफायर क्या होता है। बाद में फिर होता है अपना पीआईवी, मतलब डायोड का पीआईवी क्या होता है, ठीक है, रिपल फैक्टर क्या होता है, तो ये सब रेक्टिफायर में आ गया। रेक्टिफायर के डिफरेंट टाइप्स भी है, वो आपको अच्छे से करना है। बाद में ऑसिलेटर, फिल्टर्स, ठीक है, एम्पलीफायर, तो ये ऑलरेडी डिटेल में इधर लिखा है मैंने, पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा नहीं, ठीक है, टाइम वेस्ट होगा नहीं तो। फिर बीजेटी एफईटी, जितना भी इधर लिखा है पूरा डिटेल में आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, बीजेटी एफईटी एंड मॉसफेट के बारे में। नेक्स्ट हम आते हैं फिर ऑसिलेटर, एम्पलीफायर तो मैंने बता दिया, ठीक है। ओपैम को करना है अच्छे से, आईसी करना है, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ आईसी क्या है, कौन सा आईसी नंबर किसके लिए यूज होता है। बाद में ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, मतलब इसमें मल्टी पैरामीटर आएगा, ओके, ट्रांजिस्टर एज स्विच हम यूज करते हैं, उसका सर्किट डायग्राम कैसा होता है, ठीक है। एटलीस्ट सर्किट डायग्राम से आपको ड्रॉ नहीं करना है, लेकिन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं सपोज ये निकालता हूँ डायग्राम, तो आपको समझना चाहिए कि ये जो है ये बफर है, राइट। ये भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, क्योंकि सी वो किसी भी लेवल पे आपको पूछ सकते हैं और कैसे भी ट्राई कर सकते हैं कि आपको एक्चुअल में नॉलेज है कि नहीं, लेकिन सबका कंबाइंड पेपर हो इसलिए लेवल कम ही रहेगा, क्योंकि उनको बेसिक चाहिए इसका, ठीक है। बाकी जो आगे की स्टेजेस है उधर डेफिनेटली आपका जो स्पेशलाइजेशन है, मतलब आपने स्पेसिफिक डिग्री लिया है या वो किया है, वो आगे काम में आएगा, लेकिन अभी एग्जाम के लिए उतना अपने को करना नहीं है, ठीक है। इसलिए एटलीस्ट बेसिक तो आपको पता होना चाहिए, राइट। यूट्यूब की आप हेल्प ले सकते हो, लेकिन यूट्यूब में अगेन टाइम बहुत जाएगा आपका, क्योंकि एक एक वीडियो अगर आप 1 घंटे का देखोगे तो ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि
15 जुलाई से पहले आपको ये ट्राई करना है, रैप करो, ठीक है। तो ये हो गया आपका 9th सब्जेक्ट जो है बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। नाउ सी, तो ये मैंने जो 9 सब्जेक्ट बताए हैं इसमें से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो लगभग 80-90% ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी IBGO का जॉब प्रोफाइल है, ओके, उसके लिए क्या क्या नॉलेज रिक्वायर्ड है, बाद में आगे आपको काम करना है, इसलिए तो उसके बेसिस पे ये 9 सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिए, राइट। अभी जो रिमेनिंग 10-20% है तो उसके लिए जितना ही पॉसिबल है, अगेन इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस का मैंने अगर कंबाइन कर लिया और थोड़े फिजिक्स का भी ऐड कर दिया मैं चैप्टर, तो मतलब लगभग 20-30-40 चैप्टर्स आपके और सब्जेक्ट आपके होंगे, चैप्टर भी चलो सब्जेक्ट बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। इतना पॉसिबल नहीं है 30 डेज में, लेकिन ये 9 सब्जेक्ट को करना डेफिनेटली पॉसिबल है, ठीक है। तो मतलब वो तो एक्सक्यूज आपका नहीं चाहिए मुझे कि सर इतना कैसे हो सकता है, आराम से हो सकता है, ओके। अगर प्रॉपरली 10-12 घंटा पढ़ रहे हो तो हो सकता है, बाकी जो जॉब वाले हैं तो उनको मैं स्पेशल गाइडेंस दूंगा ही अपने सक्सेस पैक या मास्टर्स पैक में, तो उधर अपने गाइडेंस में दिया है वही आपको फॉलो करो, ठीक है। जनरली कुछ नहीं बता सकता क्योंकि डेफिनेटली इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हर एक चीज़ डिफरेंट होती है, ठीक है। तो अपने सक्सेस पैक या मास्टर्स पैक में पर्सनल गाइडेंस भी होता है, वो इंपॉर्टेंट है, राइट, ओके। तो लास्ट में जो 10th सब्जेक्ट अपना आएगा वो है मिससेलिनियस। अभी IBGO के लिए ये जो 20-10% है इसमें जो भी मुझे लगेगा कि पॉसिबल है आपको आना, ठीक है, वो डेफिनेटली मैं किसमें ऐड करूंगा, आपके मॉक टेस्ट में फर्स्ट पॉइंट, एंड सेकंड पॉइंट ये मैं ऐड करने वाला हूँ आपके टॉप 75 कंसेप्ट में। अभी टॉप 75 कंसेप्ट क्या है, कैसे यूज करना है, इसका नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, ठीक है। तो वो प्रॉपरली आपको देखना है और उसका डिटेल आपको मिल जाएगा। बाकी अगेन जियो का बैच आपने ज्वाइन कर लिया होगा, और ये अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि ये मोस्ट ऑथेंटिक चैनल है पूरे यूट्यूब पे। कंसिस्टेंटली मैं सिलेक्शन दे रहा हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में या PSUs में, ठीक है, इतने सारे अपने सिलेक्शन है। तो डेफिनेटली आप एक इस चैनल के साथ अपना प्रिपरेशन कर सकते हो, और हाँ अगर सीरियस हो तो, नहीं तो फिर टाइम पास कर रहे हो तो फिर मत, ये चैनल आपके काम का नहीं है, ठीक है। क्योंकि मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ सीरियस कैंडिडेट जो उस 797 वैकेंसीज के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मतलब इसमें से एक वैकेंसी सिक्योर करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, कितना भी पढ़ सकते हो, ठीक है। ऐसे ही कैंडिडेट चाहिए और डेफिनेटली वही रहेंगे इस 797 में, ठीक है। तो ये था पूरा फेज टू और ये लास्ट फेज था IB का। अभी नेक्स्ट वीडियो टॉप 75 कंसेप्ट होगा, बाद में फिर सक्सेस पैक लॉन्चिंग और वो सब मैं आपको दूंगा, मॉक टेस्ट का शेड्यूल वगैरह सब अब आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, फेज वन कंप्लीट करना है, फिर फेज टू में जाना है, और फेज वन में जो भी आपने कंप्लीट किया उसका इधर रिविजन आपको करना है। अभी रिविजन इस रिविजन के लिए मैं आपको कैसे हेल्प करूंगा वगैरह वो भी आपको आगे मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। टाइम टू टाइम सब चीज़ें मैं दूंगा, मेन पेशेंस के साथ प्रिपरेशन करो, ठीक है। ये दो पी हमेशा याद रखो, एक तो पेशेंस और प्रिपरेशन, बाकी टेंशन सब छोड़ दो क्योंकि आप एक वेल ऑथेंटिक चैनल के साथ कनेक्टेड हो, राइट, ओके। इसके अलावा कुछ भी आपके क्वेरीज, कुछ भी डाउट है जो आपको लगता है कि नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करना चाहिए या मिस हो गया है मुझसे, तो डेफिनेटली नीचे कमेंट सेक्शन में आप रिप्लाई कर सकते हो, ओके। डेफिनेटली मैं आपका हेल्प करूंगा बाय गिविंग यू क्विक रिप्लाई, ओके। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल एंड IBGO का जो ग्रुप है, बैच है, वो आपको ज्वाइन करना है और प्रिपरेशन सीरियसली करना है। ऑल द बेस्ट।